हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी एजुकेशन सर्विसेज। आज हम लोग अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और जो एग्जाम में आने के चांसेस हैं। ओके, तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एक्सप्लेन इट्स एम्स। आपका एक सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो बेसिक क्वेश्चन हमेशा से ही आता है एग्जाम्स में, एक्सप्लेन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, व्हाट आर इट्स मेरिट्स, डीमेरिट्स, फंक्शंस, एम्स, ऑब्जेक्टिव्स, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की डेफिनेशन और उसके एम्स आपको इस वाले आंसर में लिखने हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट मतलब अपने फाइनेंसेस को मैनेज करना। फाइनेंसेस में अपन का पूरा कैपिटल आ जाता है कि आप अपने बिजनेस में कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस पैसे को हम लोग किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं। अब मैनेजमेंट में हम लोग को इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि कहीं पैसा बहुत ज़्यादा ना हो जाए कि अपन के बिजनेस में आइडल फाइनेंसिंग हो जाए और वो पैसा मुझे कोई रिटर्न ना दे, और इतना ज़्यादा कम पैसा भी ना हो जाए मेरे बिजनेस में कि मेरे बिजनेस के ऑपरेशन ही बीच में मुझे रोकने पड़े। तो इस दोनों चीज़ों को जब हम साथ में लेकर चलते हैं, हम लोग इसको डिफाइन करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ओके, अब इसके ये वाले काम करने के लिए एक हम लोग मैनेजर अपॉइंट करते हैं जो होता है फाइनेंस मैनेजर, जो हमारे पूरे बिजनेस के फंड्स मैनेज करता है। कब हमें कहाँ से कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा लेना है, कब किसको पे ऑफ करना है, कौन सा सोर्स आज की डेट में बेटर है, ये सारे डिसीजंस लेने के लिए हम लोग जिसको हायर करते हैं वो होता है हमारा फाइनेंस मैनेजर। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एम्स क्या होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। ऑब्वियसली सबसे पहला एम कि हमारे बिजनेस में हमेशा अवेलेबिलिटी रहे फंड्स की, ओवर फंडिंग ना हो जाए हमारे बिजनेस में, फिर हम लोग कहीं महंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा ना बोरो कर लें। ये सारे हम लोग जो है एनालिसिस भी बहुत सारे करते हैं कि हम लोग अगर मेरे पास दो या तीन ऑप्शंस है फंडिंग के, तो मेरे पास सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है जिसमें मेरे को ज़्यादा टाइम के लिए पैसा मिल रहा है लेकिन कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। तो ये सारे रिसर्चेस वगैरह भी हम लोग इसमें करते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंडर ही करते हैं। ठीक है, तो ये हम आप लोग सारे एम्स में लिख लेंगे, ये कॉमन एम्स की हमेशा अवेलेबिलिटी रहे बिजनेस में फंड्स की, ओवर फंडिंग ना हो आपके बिजनेस में, फिर कौन सा एक बेटर सोर्स ऑफ कैपिटल है आपके बिजनेस का, उस पर रिसर्च करके फिर उस वाले सोर्स से पैसा अरेंज करना, टाइम पर पैसा लौटाना। ठीक है, और वर्किंग कैपिटल को भी मैनेज करना कि बिजनेस में ऐसा तो नहीं कि मैंने मेरे डेटर्स से पैसा लिया ही नहीं लेकिन क्रेडिटर्स को पे करने का टाइम आ गया। तो इन सब छोटी छोटी चीज़ों का भी ध्यान हम लोग देते हैं अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो ये हम लोग के कुछ एम्स थे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, जो आपको विथ पॉइंट्स इंक्लूड करने हैं अपने आंसर्स में। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपिटल स्ट्रक्चर एंड इट्स थ्योरीज। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है कि हर बिजनेस में जो कैपिटल लगाते हैं हम लोग, तो वो दो चीज़ों का मिक्सचर होता है, एक डेट और एक इक्विटी। डेट मतलब जो बोरोड फंड होता है, जो आप लोग बाहर से बोरो करते हैं बिजनेस के बाहर से, फॉर एग्जांपल आपका इसमें आ जाएगा लोन, इसमें आ जाएगा आपकी डिबेंचर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बोरो किया हुआ लोन, ये आपके सारे आ जाएंगे डेट फाइनेंसिंग में। इक्विटी में आता है आपका शेयर होल्डर्स फंड, शेयर्स हम लोग के दो टाइप के होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स। तो इन सबको मिलाकर मतलब एक बिजनेस का कैपिटल स्ट्रक्चर कितना डेट और कितना इक्विटी है उसके प्रोपोर्शन को हम लोग बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। हम लोग अब इसकी थ्योरीज हम लोगों ने पढ़ी थी, इसकी थ्योरीज की डिटेल वीडियोस जो हैं हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं, तो प्लीज़ आप लोग वहाँ जाकर वो सारा एकदम डिटेल में देख लीजिए। मैं यहाँ पे आपको सिर्फ हेड्स बताने वाली हूँ कि आपको एग्जाम में किस तरीके से आंसर प्रेजेंट करना है और उसमें क्या लिखना है। ठीक है, इन सारे ही टॉपिक्स की डिटेल्ड वीडियो यूनिट वाइज हम लोगों ने अपने यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, प्लीज़ आप लोग वो जाकर उसको रेफर करिए फॉर डिटेल स्टडीज़। ओके, तो यहाँ पर आपको थ्योरी समझानी है, नेट इनकम अप्रोच हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, फिर नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, ट्रेडिशनल मेथड हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। तो ये सारी थ्योरीज जो हैं कैपिटल स्ट्रक्चर की बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आती ही हैं, तो इसको आप बाय हार्ट एक बार अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन है ये बाय डिफॉल्ट आएगा ही और हर साल आता है ये वाला क्वेश्चन, तो इस साल भी इसके आने की चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसमें आपको कोई भी दो थ्योरी समझानी है। अब ऐसा नहीं कि आपको चार थ्योरीज में से कोई दो ही करें, कभी कभी आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि नेट इनकम अप्रोच ही समझाओ आप, तो ऐसा आप लोग कोई भी थ्योरी छोड़ेंगे नहीं, सारी थ्योरीज आपको लर्न करनी है। ठीक है, तो कैपिटल स्ट्रक्चर एंड इट्स थ्योरीज। नेक्स्ट, डिफाइन वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, देखिए मेरा बिजनेस में जितना भी कैपिटल होता है उसको मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ, एक होता है मेरा फिक्स्ड कैपिटल, एक होता है मेरा वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल का मतलब वो पैसा जो मैं अपने फिक्स्ड एसेट्स को खरीदने में यूज़ करती हूँ, दैट इज़ माय फिक्स्ड कैपिटल। वर्किंग कैपिटल जो मैं डे टू डे ऑपरेशंस के लिए अपना पैसा रखती हूँ, करंट एसेट्स वगैरह खरीदने के लिए, करंट लायबिलिटीज पे ऑफ करने के लिए, तो ये सारी चीज़ें करने के लिए जब मैं कुछ पैसा साइड करती हूँ फॉर माय डे टू डे वर्किंग, उसको मैं बोलती हूँ वर्किंग कैपिटल। ठीक है, अब वर्किंग कैपिटल के फैक्टर्स, अब कौन से बिजनेस में कितना वर्किंग कैपिटल होना चाहिए उसको कुछ फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। उसके फैक्टर्स कौन कौन से, सबसे पहला फैक्टर तो आपका ये है कि बिजनेस का साइज क्या है।
अगर एक बड़ा बिजनेस है ऑब्वियसली उसको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी, एक छोटा बिजनेस उसको कम वर्किंग कैपिटल से भी उसका काम चल जाएगा। तो आपको यहाँ पर कुछ फैक्टर्स लिखने हैं जो अफेक्ट करते हैं बिजनेस के कितना वर्किंग कैपिटल आपको, प्रपोर्शन ऑफ वर्किंग कैपिटल कितना आपके बिजनेस में लगेगा, उसको कुछ फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, जिसमें से पहला फैक्टर है साइज ऑफ द फर्म, नेचर ऑफ द फर्म। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर तो नेचर ऑफ द फर्म है। कैसे? देखिए, अब बिजनेसेस हमारे दो टाइप के होते हैं, या तो वो ट्रेडिंग बिजनेस होंगे या तो वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होंगे। तो जो ट्रेडिंग बिजनेसेस हैं उसमें आपको डे टू डे एक्सपेंसेस आपके इतने ज़्यादा नहीं होंगे, बिकॉज यू डोंट ओन अ फैक्ट्री देयर, यू आर नॉट मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट। तो इसलिए आपको जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो बहुत लो होगी आपकी, ठीक है। वेयर एज अगर आप एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस ओनर हैं जहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करते हैं फैक्ट्री में, तो वहाँ पर आपके जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट इनकम्स है वो बढ़ जाती हैं। तो इसलिए आपको वहाँ पर वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। तो साइज ऑफ द फर्म, नेचर ऑफ द फर्म, देन आपके डेट, आप कितना क्रेडिट ट्रांजेक्शन करते हैं, कितना क्रेडिट ट्रांजेक्शन नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, एक डॉक्टर जो क्रेडिट ट्रांजेक्शन बिल्कुल भी नहीं करता होगा, ठीक है। तो अपन लोगों का उधार पर कितना हम लोग डीलिंग करते हैं उसमें भी डिपेंड करते हैं कि आप अपना कैपिटल स्ट्रक्चर कितना रखेंगे, अपना वर्किंग कैपिटल कितना रखेंगे। तो यही कुछ फैक्टर्स हैं जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को, किसी भी कंपनी के वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को अफेक्ट करता है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। इसमें क्या हम लोगों ने सीखा था कि मैं अपने बिजनेस में प्रोडक्शन जितना कर रही हूँ उसके रिस्पेक्ट में मेरा प्रॉफिट उतना मैं अर्न कर पा रही हूँ कि नहीं, ठीक है। ये बहुत ही डायरेक्ट रिलेशनशिप है इन दोनों चीज़ों का। जितना ज़्यादा आप अपने बिजनेस में प्रोडक्शन करेंगे उतना आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। कैसे? अगर आप कोई एक चीज़ मैन्युफैक्चर करके बस एक दिन में एक ही चीज़ मैन्युफैक्चर करेंगे वो आपको बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगी, लेकिन अगर आप एक दिन में 10 चीज़ें मैन्युफैक्चर करेंगे आपके कई सारे जो कॉस्ट होते हैं छोटे से वो आपके कम हो जाते हैं। और जब आप ओवरऑल इस चीज़ को देखेंगे तो आपका काफ़ी सारा जो एक्सपेंस है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा आपका, ठीक है। तो कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस मतलब ये सारी चीज़ें आपस में रिलेटेड है। कॉस्ट जो है वो वॉल्यूम पर डिपेंडेंट होती है, क्योंकि अब जितना ज़्यादा वॉल्यूम मतलब जितना ज़्यादा बल्क में प्रोडक्शन करेंगे उतना आपका कॉस्ट कम लगेगा, जितना ज़्यादा बल्क में आप प्रोडक्शन करेंगे उतना आपका प्रॉफिट ज़्यादा होगा। और इन तीनों के एनालिसिस को ही मैं कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस बोलती हूँ। इसमें आपको डिटेल में ब्रेक इवन पॉइंट समझाना है कि किसी भी बिजनेस को कितने यूनिट्स ऑफ गुड्स सेल करने हैं इन ऑर्डर टू रीच द पोजिशन जहाँ पर वो ना प्रॉफिट अर्न कर रहा है ना उसके बिल्कुल भी लॉस हो रहा है। मतलब सारी कॉस्ट आपकी जब कवर हो जाए तो वो कौन से यूनिट्स है, मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स आपका क्या है, उस पॉइंट को हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। आपको इस वाले आंसर में पूरा ब्रेक इवन एनालिसिस को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो ब्रेक इवन एनालिसिस इसका एक टाइप है, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस के अंडर में ही आता है, ओके। तो आपको ये चीज़ें एक्सप्लेन करनी है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड इट्स टेक्निक्स। इन्वेंट्री मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि आपके गोडाउन में कितने गुड्स रखे हैं और आपकी सेल्स उसके रिस्पेक्ट में कितनी है, है ना। तो उसको, उसके जो रिलेशनशिप होता है उसको हम लोग बोलते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट। कहीं ऐसा ना हो जाए कि अपने बिजनेस में बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री रखी हुई और इतनी सेल्स है नहीं हमारी, तो वो हमारा सामान जो है रखे रखे ख़राब हो जाएगा, जो कि उसका लॉस हमें ही बेयर करना पड़ेगा। और इतनी कम भी इन्वेंट्री नहीं होनी चाहिए कि मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है लेकिन मैं उस डिमांड को मीटअप नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरे पास स्टॉक नहीं है, ठीक है। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट मतलब प्रॉपर अवेलेबिलिटी इन्वेंट्री की उतनी रहे जितने मुझे उसकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग इन्वेंट्री मैनेजमेंट। की टेक्निक्स, आप इन्वेंट्री कैसे मैनेज कर सकते हो इसकी डिटेल वीडियो हम लोगों ने बनाई हुई है। लीफो मेथड आपको पढ़ाया था, फीफो मेथड आपको पढ़ाया था, लास्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ये सारे टेक्निक्स जो हैं अब हर बिजनेस अलग अलग फॉलो करता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई मिल्क इंडस्ट्री है, मतलब मिल्क से रिलेटेड कोई बिजनेस है आपका, तो आप उसमें कौन सा स्टॉक पहले आउट करेंगे जो आपने पहले खरीदा हो, क्योंकि वो एक पेरिशेबल प्रोडक्ट है। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मतलब आप फीफो मेथड फॉलो करेंगे उसमें इन्वेंट्री मैनेजमेंट का। अगर आप एक टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपका कुछ बिजनेस है तो आप हमेशा लास्ट वाली चीज़ जो सबसे लेटेस्ट होगी वो आप पहले अपने कस्टमर को दिखाएंगे। आपकी अगर मोबाइल की शॉप है तो आपके जो कस्टमर्स आएंगे आप उनको सबसे पहले 2G वाले फोन से ही दिखाएंगे, ठीक है। जो आपके पास एकदम लेटेस्ट आते हैं आप हमेशा वो चीज शो करते हैं। फैशन इंडस्ट्री में भी आप कौन सा वाला मेथड फॉलो करते हैं, लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो आप सबसे लास्ट में जो आपके पास प्रोडक्ट आता है उसको आप सबसे पहले सेल करते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको ये जो टेक्निक्स है, लीफो, फीफो, हीफो, हीफो मतलब हायर, जो चीज़ महंगी है पहले उसको आप सेल करो, तो इस टाइप की कुछ टेक्निक्स आप दिए हुई हैं आपकी बुक्स में भी और हम लोगों ने इस पर वीडियोज़ भी बनाया है। तो प्लीज़ काइंडली डू विजिट दोज वीडियोज़, ओके। तो यहाँ पे इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड टेक्निक्स में आपको ये वाली सारी चीज़ें कवर करनी है अपने आंसर में। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ डेट वर्सेज कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अब आपको बिजनेस में जो भी कैपिटल स्ट्रक्चर है आपका, जो डेट से है, जो इक्विटी से है, जहाँ से भी आप पैसा अरेंज करने वाले हैं वो आपको पैसा फ्री में नहीं मिलने वाला है, ठीक है। आपको जो इक्विटी अरेंज करने पर जो कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी उसको हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी बोलेंगे। जो आपको डेट, आपने जो बोरोइंग्स ली हैं, बैंक से लोन लिया है या डिबेंचर्स के थ्रू आपने पैसा कलेक्ट किया है, तो उन सब पर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो वो आपका कॉस्ट ऑफ डेट हो जाएगा, ओके।
मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, वॉट इज़ प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स. प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मतलब आपके पास जब प्रपोजल्स आते हैं अलग अलग, या प्रोजेक्ट दो प्रोजेक्ट्स आए आपके पास, अब यू हैव टू चूज़ वन प्रोजेक्ट. तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मतलब एक तरीके से हर प्रोजेक्ट का प्रॉफिट देखना कि यार मुझे कौन सा प्रोजेक्ट कम टाइम में ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ऑफ द प्रोजेक्ट, कि आप कितने टाइम में अपना प्रिंसिपल अमाउंट रिकवर कर पा रहे हो उसमें से. ठीक है, अब इसकी कुछ टेक्निक्स होती हैं, NPV, नेट प्रेजेंट वैल्यू, ARR, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, देन पे बैक पीरियड मेथड. ठीक है, तो ये सब हम लोगों ने डिटेल वीडियोज इस पर बनाई हुई हैं. आपको इसमें केवल इसको समझाना है कि प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स क्या होता है, देन आप इसमें कुछ इसकी टेक्निक्स भी एक्सप्लेन कर सकते हैं. जो चीज़ पूछी नहीं अगर आप वो भी थोड़ा बहुत लिख कर आएंगे इन ऑर्डर टू आप अपने आंसर को अच्छे से प्रेजेंट कर पाए, तो आपको उसमें ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं. ठीक है, तो आई होप ऑल दीज क्वेश्चंस आर क्लियर. डू विजिट आवर वीडियो. थैंक यू सो मच.